Here we go. High jumps and high burger. हमारे दोनों बर्गर आ चुके हैं और ये बर्गर है जिसको अवार्ड मिला हुआ है दुबई के बेस्ट बर्गर का. धूप दुबई की जान कभी नहीं छोड़ती. खैर अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. आपका भाई आरएचएस एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद. मेरे इस कमरे की हालत देख के आपने भाई को जज नहीं करना क्योंकि मैं अपने रूम की हालत हमेशा बहुत ही बुरी रखता हूँ. और ये वैसे कैब चेक कर रहे हो भाई की, ये कल मैंने ली थी. हम लोग अलसीफ वाली साइड पर गए थे, वहाँ पर उन्होंने कल्चरल सी शॉप सुनाई है, मैं एक लाई ली. ये भाई का रूम और इमेजिन करो कि यहाँ से अगर बंदा वो वहाँ ढह पाए तो उसका क्या बने. वैसे मजाक के अलावा 7th floor. पाकिस्तान से निकले हमें इतने दिन हो चुके हैं और ये यहाँ से ये शेप बढ़नी शुरू हो चुकी है जो बड़ी अजीबो गरीब सी लगती है. तो अभी मैंने एक जगह जाना है, निकलता हूँ, देखता हूँ कोई नाई की दुकान मैंने लभी थे, अभी सेट करा लिया. खुल जा सिम सिम. तो मैं जा रहा हूँ क्रेजी किस्म की जेट स्की करने के लिए और उसके लिए यहाँ से मुझे बस पकड़नी है जो कैसे एक मज़े की चीज़, यहाँ पे टेस्ला टैक्सी पे चलती है. मतलब ऑफिशियल वाली टैक्सी नहीं, जो दुबई की टैक्सी होती है वो नहीं, लेकिन आप टेस्ला बुक कर सकते हो तो आपका कोई 250-300 दरम कम अज़ कम बनता है उस पर. तो यहाँ से मैप दिखा रहा है कि मैंने पहले 10 मिनट की वॉक करनी है क्योंकि मॉल ऑफ एमिरेट्स बिल्कुल पास ही है. वहाँ से मैं बस पकड़ूंगा और फिर आगे बाबा फुल चमकीली शेव करवा के बाहर. ब्रो आजकल फारिग हो तो सीरियसली दुबई आके नाई बन जो, बड़ा स्कोप है. 35 दरम की शेव और वो भी पूरी नहीं, फ्रेंच तो मेरे पास अभी भी है. यकीन करो इधर से अरबियों का पूरा मोहल्ला उठा के मैं अपने मलयाले सलीम नाई को ले जावा ना तो 35 दरम तो सारे निपट जाए. पुरानी चीज़ें संभाल के रखने का कितना फ़ायदा होता है. ये मेरा 2019 वाला मेट्रो कार्ड है. मैं परसों मेट्रो स्टेशन गया, उसको मैंने अपना कार्ड दिखाया, मैंने कहा ये वैलिड है कि नहीं. उसने उसको चेक किया, कहता तेरे 23 दरम पे हैं इनके बीच. मैं कहो वो अमीर हो गए बाबा. फिर उसमें मैंने 30 दरम और ऐड किए, अभी फुल याशियाँ. और वैसे भी अगर आप सोलो या किसी भी तरह यार, ये सबसे बेस्ट तरीका है दुबई के अंदर आपको फिरने का, इतना चीप कमाल है. अब मेरा मैप दिखा रहा है कि इस स्टॉप पर मैं उतर चुका हूँ. यहाँ से आगे मेरी 550 मीटर की वॉक है और मैं पहुंच जाऊंगा अपनी डेस्टिनेशन पे. मैप्स ने ज़िंदगी को इस कदर आसान किया है यार. अभी मेरा सिग्नल ग्रीन है इसलिए सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं, इस तरफ का सिग्नल रेड हो गया, ऐसे ब्रेकां लानियां पैंदियां ने बाबा. मैप ने ज़िंदगी को सीरियसली इस कदर आसान किया हुआ है कि आपने सिर्फ लोकेशन डालनी है, ऊपर से आप मतलब अगर बस पे जाना चाह रहे हो तो वो बस पे क्लिक करके डायरेक्शन पे क्लिक करना है, वो आपको बताता है कि यहाँ से यहाँ तक इतने मिनट वॉक करो. उसके बाद ये नंबर की बस आएगी, हेलो बेबी डॉल, इस नंबर की बस आएगी, आपने उसके अंदर बैठना है. वो साथ साथ आपको बताता है कि हाँ इस स्टॉप पर अब आप उतर जाओ, यहाँ से इस तरफ इतनी वॉक करो, आप पहुँच जाओगे. क्रेजी जेट्स की हो रही है यार जो मैं करने आया हूँ, लेकिन मैंने करनी है वो उस साइड पे जो कि दुबई की बेस्ट जेट्स की है. ये होती काफ़ी जगह पे बीच पे यार, ये इस तरफ ये गोरे पता नहीं पागल हैं यार, ये इतनी मतलब तेज़ धूप है उसमें वो लेटे हुए हैं नंगे होके टैन होने के लिए. ये यहाँ पे मुझसे साइन करवा रहे हैं कि अगर आपको कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप हो. ये नीमो वाटर स्पोर्ट्स और यहाँ पे ये पीछे सारी आपको जेट स्कीज और यॉट वगैरह खड़े हुए नज़र आ रहे हैं. तो यहाँ पे फिलहाल अभी मैं पे करूँगा, वो उसके बाद थोड़ी फॉर्मेलिटी है वो होगी, वो होने के बाद ये लॉकर्स हैं, यहाँ पे मेरा सामान आएगा सारा. ये कपड़े यहाँ पे बदलने हैं, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है. और उसके बाद ये सामने पूरा माहौल, अब मुझे पता नहीं ये मिलेगी या वैसे मुझे येलो पसंद है जो उधर खड़ी है. और बाकी वहाँ पर भी फुल ऑन हैवी सीन चल रहा है, लोग तैयार हो रहे हैं सारे. मैं अपना गोप्रो तो लगा रहा हूँ या चेस्ट माउंट पे या हेड माउंट पे, वो भी मैं देखता हूँ. मैं सोच रहा था कि इसके साथ माइक भी लगाऊं. माइक लगाते हैं, मीडियम माउंट लगा होता है, माइक लगाने के बाद गोप्रो वाटरप्रूफ नहीं रहता. तो मैंने भी यहाँ पे देखा है कि वो लोग जब उसको घुमाते हैं ये करते हैं तो पानी उड़ के ऊपर आता है. तो इन केस मैं ना भी तेज़ चलाऊँ, कोई मेरे पास से शूँ करके गुजरे और सारा पानी ऊपर आए तो सारी फुटेज भी जाएगी और वो एक आवाज़ के चक्कर में सारा काम. आवाज़ से वीडियो बहुत मज़े की हो सकती है लेकिन मुझे ये रिस्क लेना नहीं चाहिए क्योंकि सारी फुटेज जा सकती है, गोप्रो जा सकता है, माइक जा सकता है. तो आवाज़ में आपको थोड़ा इशू होगा, मैं बोलने की कोशिश करूँगा, गोप्रो ने जितनी आवाज़ कैप्चर की वो आपको नज़र आ जाएगी.
आवाज़ नज़र कैसे आ सकती है? सुनाई देगी। कच्चा शीशा पहन के रेडी हो चुके हैं हम जेट स्की के लिए और अभी बस अंदर। ओए भाई, मुझे मतलब क्रेजी भी फील हो रहा है, थोड़ा एडवेंचरस होगा लेकिन मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि ये उल्टा यहाँ पता नहीं लगता। लाइफ जैकेट, लाइफ जैकेट आए बशीरिया जी, मैं डूब गया। तो इस तरह से मैंने अपना GoPro जो है वो चेस्ट माउंट पे सेट कर लिया ताकि आपको सारा उसका डैशबोर्ड व्यू आ सके। पहले मैंने सोचा था हेड माउंट करूँ लेकिन फिर वो ऊपर से काफ़ी नज़र आना था। अभी वो उसके अंदर तेल तूल भर रहे हैं क्योंकि मैंने लिया 1 घंटे वाला पैकेज जो कि 700 दिरहम का है। कितना के तेल पर नहीं, ओए होए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैन आ चुके हैं और एक डाल रहा है। यो 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 मम्मा मिया। ओके GoPro हमारा लग चुका है, आई होप यार आवाज आ रही हो। ना कर ओके, टेक दिस वन, पुट ऑन योर रिस्ट। ओके नाउ यू सी दिस की, ओह यस दिस इज इन केस यू फॉल इन द सी द की विल कम्स आउट। Okay. The jet ski will stop automatically. My name is Saku. Saku. Yeah. Good to see you. Good to see you too. I'll be your guide. Okay. तो मुझे initial instructions मिल चुकी हैं। अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी होता है तो ये जो red band है ये उतर जाएगा और jet ski automatically रुक जाएगी। और यहाँ पे green button है जिससे start होगी, यहाँ पे red है जिससे बंद होगी और ये जो है इससे accelerate होगा। पहले मेरा टूर गाइड था साकू लेकिन वो कुछ फ्रेंच टूरिस्ट आ गए तो साकू को फ्रेंच बोलनी आती है तो अब मेरा टूरिस्ट है ली। ओए ओए किधर जानी है? ओए अभी इस जगह पे हम तेज़ नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे सारी पुलिस है और थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक बॉर्डर लाइन है वहाँ से बाहर निकल के फिर हम उड़ाएंगे सर। उड़ाएंगे तो नहीं, मैं तो नहीं उड़ाऊंगा। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसके करीब जाना मुझे अलाउ नहीं है। ए बिशीरी सीधा चाल। मुझे ली की तरफ से साइन आ चुका है कि हम वहाँ से बाहर निकल गए हैं, अब आप इसको तेज चला सकते हो। राइट साइड पे दुबई स्काई लाइन। ओए होए हैवी हैवी बाबा। ओए ओके वो कह रहा तेज चला इसको। समंदर की लहरों से टकरा रहे हैं हम आज। ओए ना करो ना करो ए ना करो ए ओए। नहीं बाबा नहीं ना कर, अब तेज जाऊंगा मैं। ओ तेरी ओए ना कर मेरे नाल तुक मलंगिए। तुम अगर अटलांटिस पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें और तेज जाना होगा। 14, 15 हमारे सामने है। ओए
होए होए जेन्युइन एक्सट्रीम ओए होए। मैं अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ तो ये पीछे जो आंटी हैं इन्होंने मुझसे पूछा कि तुम अटलांटिस पहुँच पाए, मैंने कहा हाँ मैं पहुँचा। कहती मतलब तुम तेज़ हो, मतलब एक घंटे की जेट स्की में यहाँ से अटलांटिस पहुँचना जो है वो एक मज़ेदार चीज़ है। खैर अटलांटिस पहुँचे और यार कसम से ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, लेकिन इतना मुश्किल है। अभी वो पीछे बंदा जो है वो मुझे बता रहा है कि ये सुबह अगर 9 बजे आओ तो समंदर फ्लैट होता है, आप बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे जैसे शाम होती जाती है, ये मैंने पहले भी सुना था कि शाम को पानी ऊपर आ जाता है, तो शाम को वेव्स इस कदर, मतलब आप समझो कि जो सड़कों के बड़े खड्डे होते हैं ना वो कुछ भी नहीं है जितने सख्त खड्डे ये, वो जाके बीच में पानी में लगती है और ठौ करके आवाज़, मतलब इतना मुश्किल है इसको हैंडल करना। ख़ास तौर पे ये तकरीबन सनसेट से थोड़ा सा पहले, और सनसेट के बाद तो इमेजिन भी नहीं कर सकता बंदा। मेरे हाथ इस तरह दुख रहे थे, उसको इतनी ज़ोर से मैंने पकड़ा हुआ था, जब उसने मुझे बुर्ज अरब के सामने कहा ना कि भाई अटलांटिस जाना है तो तुम्हें तेज़ चलना पड़ेगा, उसके बाद मैंने कहा या अल्लाह टोपी में मोड़ी पीछे हल लूँ मैं किसी तरह अटलांटिस, क्योंकि अच्छा खासा मुश्किल सीन है। एडवेंचर जिस लेवल तक एक्सट्रीम पे आप सोच लो उस लेवल पे मुश्किल है हैंडल करना, बहुत मुश्किल है। और जो वेव्स के अंदर वो जाके लगता है और उसके बाद वो एकदम मुड़ता है, आपको उसको सीधा रखना, एक क्रेजी तरीन सीन था यार, क्रेजी तरीन, मज़ा आ गया कसम से। मतलब आप सामने आपके लिमिटलेस सी सामने नज़र आ रहा है समंदर इस तरह, और उसकी लहरों के अंदर आप टकरे मार रहे हो, एक एक्चुअल मौत की सवारी लगती है, लेकिन पैसे एक हद से भी ऊपर पूरे। अभी ज़रा बीच पे बैठ के थोड़ा रिलैक्स चिलैक्स मार रहा था मैं, सनसेट पूरा एंजॉय किया सामने भी। ये बीच पे एक रेस्टोरेंट कैफ़े टाइप इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने अपनी आइस्ड कॉफ़ी ली है। ये जेट स्की मैं करना चाहता था वो हो गई, अल्लाह का शुक्र है, मज़ेदार सीन है। मेरी जो अल्टीमेट एक बकेट लिस्ट की जो एक मेजर चीज़ है वो है स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग मेरा इस टूर में प्लान था, मैंने उसका पता किया, पता करने के बाद पता चला कि मैं स्काई डाइविंग के लिए ओवरवेट हूँ भी तो मुझे अगली दफ़ा वेट कम करके आना पड़ेगा और फिर मैं स्काई डाइविंग कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। अली भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्या हाल है अली भाई? बेहतरीन, बिल्कुल फिट फाट। अली भाई समंदर का पानी कभी चखे है? सुना यार बहुत ही नमकीन होता है, इतना अल्लाह की कसम, मतलब मैं हैरान रह गया, इतना नमकीन यार कि जिस तरह आपने कोई पानी का ग्लास, एक ग्लास पानी भरो उसको आधे से ज़्यादा नमक से भर दो, उससे भी ज़्यादा नमकीन पानी, और वो बाहर आया तो वो नमकियात सारी ना इस तरह चूरा चूरा मुंह के ऊपर सारा जमा हुआ, मैं अगर उस्ताद एक ही हो गए। अच्छा भाई मैंने सर्च किया कि दुबई का टॉप बेस्ट बीफ बर्गर कौन सा है, तो उसमें जो दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर 10 बर्गर आ रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पे जो बर्गर था वो हाई जॉइंट था। हम लोग पहुँचे हाई जॉइंट पे, पहुँच के मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये दुबई का बेस्ट बीफ बर्गर। अली भाई लग रहे हैं वैसे यकीन करो, ये पीछे सारे जो है वो आपको विलाज नजर आ रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया ये दुबई का, अरबियाँ घर रहे हैं, अरबी ये थे गोरे शिफ्ट हो गए ना ज़्यादा, अरबी खुद ज़रा साइड पे महल में याशियाँ करने निकल गए। इधर ये मतलब एक मार्केट है जिसके अंदर टोटल 1, 2, 3, 4, 5 दुकानें हैं और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है आसपास। यहाँ पे ये हाई जॉइंट है जो दुबई का बेस्ट बीफ बर्गर है, ये मुझे पेमेंट ने भी बताया था, पेमेंट के दोस्त का ये, तो अभी ट्राई करते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट ने इसको बोला है कि ये नंबर वन है। रिश्वत ही ना हो, हो सकता है। ये हैवी किस्म के यहाँ पे बीफ बर्गर रेडी हो रहे हैं। ओहो होल्ड ऑन, हाफ कट, ah yes thank you, where you are now sir? Here we go, high jumps and high burger. Oh nice, on the mix with Chef Christian Camino. हाई जॉइंट पे एक इन्होंने वॉल बनाई हुई है, वॉल ऑफ फेम, और यहाँ पे मार्कर से हम लिखेंगे यहाँ पे अपना नाम ऐसे फुल ऑन। यार मोटी मार्कर होनी चाहिए थी, RHS और शपैक की लिखना चाहिए यार दुबई की दीवारों पे। लो बाबा फुल ऑन कुछ सशपकल मंदूरी के दिन है, जंपल का सीन यहाँ पे चल रहा है बर्गर्स का, और अभी हम अपना ऑर्डर लगाएंगे। अच्छा यहाँ पे वैसे ज़्यादा टेक अवे चल रहा है,
इसलिए जगह जरा खाली खाली है। हम टेकअवे लेके जाएंगे ये भी है, हम तो घर पे घर हैं हम यहीं बैठ के खाएंगे। हमारे दोनों बर्गर्स आ चुके हैं और ये बर्गर है जिसको अवार्ड मिला हुआ है दुबई के बेस्ट बर्गर का। इसका नाम है हाई जैम्स और हाई जैम्स के अंदर इन्होंने डाला हुआ है अमेरिकन चीज़ है, बेकन जैम है जो कि तकरीबन 3 घंटे तक ये पकता है बेकन जैम। और ये बेकन बीफ बेकन है क्योंकि दुबई में सब हलाल मिलता है, तो दूसरा बेकन आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके अलावा इसके अंदर क्रिस्पी फ्राइड शैलट्स डाले हुए हैं जो कि अनियंस को फुल ऑन क्रिस्पी क्रंची करके बड़े बड़े उन्होंने फ्राई किया होता है। तो ये इसके अंदर चीज़ें हैं, अनियन कुक्ड ओवर 3 आवर्स, अगलों ने उसका पूरा लिखा हुआ है। हमने उसको डबल पैटी करवाया जो कि 50 दिरहम और 40 सेंट्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं फिल्स 50.40 का जो है वो बर्गर है, एक उसमें एक्स्ट्रा पैटी डलवा के 13 दिरहम का पैटी एक्स्ट्रा, तो हमें ये 63 दिरहम का पड़ गया बर्गर। ठीक है, बर्गर एक्सपेंसिव है वैसे। मैंने और अली भाई ने ये डिसाइड किया कि इनके जो दो बेस्ट बर्गर हैं वो मंगवाते हैं, जिसमें एक ये हाई जैम्स है जो हम खाने लगे हैं, दूसरा हाई बर्गर उसको भी डबल पैटी करवाया, उसका मैं बाद में बताता हूँ। तो दोनों को हाफ कट करवाया, आधा आधा दोनों रगड़ेंगे ताकि दोनों का टेस्ट मिल सके। हो जाए शुरू, चलो सब ऐसे सॉफ्ट तरीन बन। क्या बात है, एक ऑथेंटिक जेन्युइन बीफ बर्गर होना चाहिए, मतलब आपको एक सही बीफ की फील आ रही है चीज़ के साथ, और थोड़ा सा स्वीट है क्योंकि जो इन्होंने ऊपर ये सॉस डाली हुई है। खाते हुए एक जो एक्सट्रीम लेवल सॉफ्टनेस, एक फुल ऑफ मीट जो आपके मुंह के अंदर पैटी, ऑथेंटिक जो बीफ पैटी का टेस्ट होना चाहिए, और साथ में एक स्वीटनेस फील हो रही है हल्की हल्की वो सॉस की, और जो क्रंची अनियंस आ रहे हैं, यार गेम है बर्गर की। जनरली ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो कुछ ओवरडो किया हुआ है, पता नहीं क्या क्या डाला, एक प्लेन आपको टेस्ट आ रहा है। यार बन जो सब जनरली ऐसे जिस तरह मक्खन मलाई सा बन, इतना फ्रेश बन, इस कदर फ्रेश बन। बाइट हूँ मैं तो एक ही करना फिल्म बाइट वाली कहानी अभी घोरे टूटना शुरू हो रहे हैं इधर, क्योंकि हम लोग काफी जल्दी अभी 7:45 हुए थे जब हम आए, अब रश बढ़ना शुरू हो रहा है इधर। ये जी हमारा दूसरा बर्गर, इसको अवार्ड नहीं मिला हुआ, लेकिन यहाँ पे इनका जो सेकंड टॉप सेलिंग बर्गर है वो ये वाला है, और इसका नाम है जी हाई बर्गर। ये बर्गर हाई है, ओए होए ऐसे कीमा गिर रहा है। और ये जो बन इसके हैं बड़ा जिस तरह हल्दी टाइप कलर का बन है, तो ये पोटैटो बन है उन्होंने मुझे बताया, तो वो स्वीटनेस एक इसलिए भी फील हो रही है उसकी, स्वीट अनियन के, वो अनियन भी ज़रा स्वीट है, और वैसे पोटैटो बन है। हाई बर्गर के अंदर जो चीज़ें हैं वो अमेरिकन चीज़, टोमेटो, अनियन, लेटस और सिग्नेचर होममेड रेंच। वाह तो वो लंगला साड़ी खैर है, और हनी मस्टर्ड है। अवार्ड गलत मिल गया वो अपनी जगह बहुत मजे का, लेकिन ये एक जो एक क्रंचीनेस और वेजिटेबल्स इसके अंदर आ रहे हैं, तो इसमें 3 डिफरेंट सॉसेस का जो है वो टेस्ट मिक्स हो रहा है। जो एक सही आपके टेस्ट को इस तरह सॉस के साथ साथ वो पैटी को माइल्डनेस आपको फील करा रहा था, टेस्ट को बैलेंस कर रहा था वैसे। अच्छा मुझे ऐसे लोग बड़े अजीब लगते हैं कि वो इतना बड़ा बर्गर खा के फिर 0 कोक पीते हैं, पता नहीं ये कौन लोग होते हैं यार, मुझे तो समझ नहीं आती। आप जीरो पी रहे हैं? आप कौन सी पी रहे हैं दिखाएं? और रेगुलर सही, ये पता नहीं कौन लोग होते हैं इतने बड़े बड़े बर्गर कढ़ाइयाँ खा के फिर 0 कोक या 0 फिर वो डाइट पीते हैं, फारग लोग होते हैं ये जिन्होंने हमें सर्व किया। ये बॉय है इंडिया से, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह भाई जनाब। मुंबई से हो? यस मुंबई। मुंबई के खाने कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फिट है, जबरदस्त यार। इंशाल्लाह कभी मुंबई आऊंगा तो मिलोगे। चलो थैंक यू यार, बाय बाय, थैंक यू। टोटल हमारा बिल बना है जी 112 दिरहम, और पहले बीच में मुझे लगा कि बर्गर बहुत छोटा, लेकिन अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि खाने के बाद हमें फील हो रहा है कि नहीं बर्गर सेटिस्फाइड बर्गर है ना, बहुत ओवर किया उसने, और मतलब एक जहाँ पे हल्का सा फुल होने को फील होता है लेकिन कसर कोई नहीं रहती, वैसे वाला सीन है। और अभी यहाँ पे रश हो चुका है, जिस टाइम हम आए हैं सिर्फ खाली पड़ा था, डिसअपॉइंट हुआ था मैं थोड़ा सा, लेकिन अभी आवाम फुल हो गई। दुबई मॉल में पार्किंग ढूंढना एक जंग से कम नहीं है, और वैसे ऑफिशियली दुबई गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है
कि आप 1 kg वेट लूज करो आपको 500 दरम मिलेगा, ऐसे ही है यार, कमाल है यार। मतलब मैं जब पहले मोटा था, मैं पतला हुआ, मैंने तकरीबन 35 किलो वजन कम किया, मुझे कितना पैसा मिलता? 17,500 दरम मुझे मिलता। ओए होए होए होए, मैं दोबारा मोटा हुआ फिर पतला हुआ फिर पतला ना रहेगा तो फिर हैवी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़, कसम से यार, इतना रश, इतना रश, सिर्फ सरीसर नज़र आ रहे हैं। हम बोली साइड क्रॉस करके इस तरफ आ चुके फुल स्पॉट। और जो फाउंटेन शो देखा है यार, उसकी गेम है। मतलब वो सामने से आप खड़े होकर देखो, उन्होंने ऐसे ऐसे म्यूजिक के साथ, बीट्स के साथ उसको सिंक किया हुआ है। और पानी जब एंड वाली वेव जो जाती है ना, पता नहीं वो किस फ्लोर तक जाती है, बहुत ऊंची, वो कमाल की गेम है। यहाँ पे भी बैठ के कोई चाय कॉफी का निज़ाम करते हैं। जब आपके सामने क्रेजी किस्म का थिन क्रस्ट पिज्जा हो और आपके बैकग्राउंड में व्यू ये हो, क्या बात है। मैं वैसे सामने बैठा था, व्यू ले रहा था, अभी आपको व्यू देने के लिए मैं इस तरफ आके बैठा हूँ। आप जब भी दुबई आओ, इस स्पॉट पे लाजमी आना। इसका नाम है शेक्सपियर एंड को। आप गूगल मैप्स पे सर्च करोगे, ये पीछे इतना कोई खूबसूरत माहौल है, मतलब आप बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय करो, खाना शाना खाओ। इस तरफ बिल्कुल सामने आपको मज़ेदार बुर्ज खलीफा का, और ये प्रॉपर मतलब वो हसल बसल जो है ना बुर्ज खलीफा के बिल्कुल नीचे, कोई एक टाइम में 10,000 बंदा तो होता है, ची चा पाँ पूँ, उससे निकल के ज़रा साइड पे आप इजी होके बैठ सकते हो, इंतहा से ज़्यादा रिलैक्स माहौल के अंदर, उस रश क्योटिक बुर्ज खलीफा के पीक रश से बचने के लिए। ये शाजी रात को 1 बजे दुबई ऐसे लग रहा है जिस तरह अपना दुबई है, हैं? मतलब कल ही फिर रहे हैं, कल ही फिर रहे हैं, जाती दुबई है बाबा, बदमाश आदमी तलिया। रात के 3:30 हो चुके हैं, अली भाई मुझे छोड़ने आए, तो फिर हम लोग यहाँ पे कमरे में बैठे रहे, कॉफ़ी शॉफी पीते रहे। उसके बाद अभी आप आज की वीडियो में जो आप लोगों ने जेट स्की वाला पार्ट देखा है, उसमें जितनी फुटेज आपको नज़र आई है वो फुटेज थी तकरीबन जितना मैंने शूट किया था उसकी तकरीबन 50% आप कह सकते हैं। जो मेजर इतना मज़ेदार जो पार्ट था वो आपको नज़र नहीं आया, और उसकी वजह मतलब इतना मेरे लिए ये अफसोसनाक सा सीन है जितना आप सोच सको। मैंने मतलब ये कैमरा तो मैं लेके नहीं जा सकता था जेटस्की में साथ, क्योंकि पानी उड़ उड़ के आ रहा था। मैंने एक गोप्रो लगाया हुआ था, बाकी मैं शूट कर रहा था अपने आईफोन से। मतलब बुर्जुल अरब के सामने जब रुके वहाँ पे मैंने शूट किया, इतना एक्सप्लेन कर रहा था चीज़ों को। फिर अटलांटिस के बाहर रुके, वहाँ इतना प्यारा व्यू, बैकग्राउंड अटलांटिस, बुर्जुल अरब, वो सारा मैं शूट कर रहा था। उसके अलावा फुल जेटस्की चलाते हुए जो है वो मेरा जो गाइड था वो मेरी वीडियोज़ बना रहा था, वो फुल प्रो था, एक हाथ से वो जेटस्की उड़ा रहा था, एक हाथ से मेरे फ़ोन से वीडियो बना रहा था। मैं सोच रहा था कि ये मेरा फ़ोन गिराएगा। तो वो पूरी फुटेज जो आईफोन से बनी थी वो आपको वीडियो में नहीं नज़र आई। वो उसका ये सीन हुआ कि अभी जब मैं डेटा ट्रांसफ़र कर रहा था, मैंने अपने फ़ोन खोला, उसकी गैलरी में गया और सारी फाइल्स क्रप्टेड हैं। उसका ये सीन हुआ कि मुझे मेरे फ़ोन की मेमोरी जो है वो मैंने पिछली वीडियोस उड़ाई नहीं हुई थी, मेमोरी फुल हो गई थी, और मुझे उस टाइम आईफोन ने कोई वार्निंग नहीं दी कि भाई तेरी मेमोरी फुल हो गई है, तू शूट नहीं कर सकता। वो मेरी सारी वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड हो रही थी, सब कुछ हो रहा था बेहतरीन किस्म का, उस टाइम उसने कुछ नहीं बताया। बाद में अब जब आके मैंने देखा तो वो सारी करप्ट हुई हुई हैं और वो रिकवर भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने उस टाइम वो रिकॉर्ड की है या उसको करप्ट कर दिया, पता नहीं क्या सीन है, कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे अभी पिछले कोई 20 मिनट तो मैं जिस लेवल के अफसोस आप सोच सकते हो उस लेवल के अफसोस में बैठा हूँ कि मेरा इतना मेजर, इतना मतलब वो खूबसूरत सीन था, वो पीछे बुर्जुल अरब है और जेट्स की तेज़ जा रही है, व्लॉग में एक सही मज़ा ऐड होना था उस चीज़ का। मैंने तो अपना पूरा एंजॉय किया, आप लोगों के लिए जो चीज़ होनी थी उसका मज़ा उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाना था जो नहीं हो पाया। आप लोगों को जितना नज़र आया उसे आप कबूल कीजिए। और आप अगर सोच रहे हो कि मैं बुर्ज खलीफा के सामने बैठा रहा हूँ, मैंने सब देखा, मैं बुर्ज खलीफा के ऊपर क्यों नहीं गया, तो हमारे प्लान्स थोड़े बुर्ज खलीफा से ऊपर है। अगली वीडियो में आपको पता लगेगा। खैर, ये वीडियो पसंद आई है तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी लिख रहे भाई को तो हमें याद रखना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। अल्लाह हाफिज़।
got to know you before you faded away. I got to know you, got to love.